YouTube family, welcome back my YouTube channel. Hey my beautiful ladies and beautiful sisters and my beautiful friends, welcome back my YouTube channel. तो मैं आपकी दोस्त ज्योति फिर से आ गई आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेके जो आपके लिए फिर से हेल्पफुल होने वाला है. और आज मैं आप लोगों के लिए कोई DIY कुछ हेल्प या डेकोर लेके नहीं आई हूँ. आज मैं आप लोगों के लिए मेरे ज्वेलरी का कलेक्शन लेके आई हूँ. उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कौन सी ज्वेलरी कितने रुपए की आती है और मतलब हाँ किस चीज़ के साथ पहन सकते हैं, और उससे कुछ थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा. तो मैंने सोचा ऐसे बैठे बैठे क्यों ना मुझे मतलब एक मन किया कि आप लोगों के साथ अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन शेयर करूँ. हो सकता है आप लोगों को कुछ आइडिया मिल जाए, कुछ मेरे पास ऐसा हो जो आप लोगों को अच्छा लगे. तो मैंने सोच बैठे बैठे दिमाग में आया तो मैंने चलो उस वीडियो शूट कर लेती हूँ. तो चलिए मैं आपको अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखा देती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरे पास जो फर्स्ट पेयर में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट पेयर है. अगर आपकी हल्दी का अगर मेरे पास इसमें मेरे पास पिक पड़ा होगा तो इसका मैंने कब तैयार रेडी हुई तो इसका पिक इंसर्ट कर दूंगी इसमें. आगे से आप इसको देख सकते हैं, इस टाइप का पेयर था और आई थिंक ये 200-250 रुपये तक का मिल गया था. ये लखनऊ से लिया था, अमीनाबाद से, सॉरी अलीगंज से, इस टाइप से कहीं से लिया था. ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिए थे. तो आप इसको हल्दी में पहन सकते हैं, ये बहुत ही मतलब कम रेट में मिल जाते हैं और आप इसको 2 से 3 बार पहन लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. आपके लुक में 4 चांद लग जाएंगे. तो आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रही है. मेरा फर्स्ट है इयरिंग. अब मैं इसके बाद आपको सेकंड दिखा देती हूँ. वो थोड़ा सा झुमकी टाइप का जो मैं हमेशा साड़ी के साथ ही वेयर करती हूँ. जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ, कोई छोटे सा घर में होता है, पार्टी होती है या फिर घर में कोई फंक्शन होता है, अगर मैं साड़ी पहनती हूँ तो रेडी होती हूँ. तो मैं इस टाइप से झुमकी पहनती हूँ जो कि बहुत सुंदर लगती है. मेरे फेवरेट झुमके हैं ये, मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट किए थे तो उनको थैंक यू, और मुझे बहुत पसंद आए हैं. ये मेरा दूसरा पेयर है, आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर लगता है. ऐसे झुमके जो होते हैं साड़ी पे बहुत सुंदर लगते हैं. इसके बाद मेरे पास तीसरा है कल जो पेयर है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ. वो मेरा थोड़ा सा हैवी टाइप का है जो मैं हमेशा अपने लहंगे के साथ वेयर करती हूँ. मेरा लहंगा है उसके साथ मैं वेयर करती हूँ. ये बहुत सुंदर लगता है इसको पहनने के बाद. अगर इसकी भी पिक होगी तो मैं आपको ज़रूर इंसर्ट करूँगी, इसमें ज़रूर दिखाऊँगी. इसका भी लुक बहुत अच्छा था. ये भी मुझे बहुत सस्ता मिला था. ये आई थिंक मुझे 300 का मिल गया था. ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से ही मैंने लिया है. ये देखिए इसमें बॉल का काम, और मैंने इसको कई बार पहना है, बहुत बार. मैं रात में सो के भी लेट गई हूँ पर इसके ये जो मोती लगे हुए वाइट कलर के, ये पर्ल जो भी है स्टोन, एक भी नहीं गिरा. ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत सस्ता था. इसका लुक पहनने का ये भी बहुत अच्छा था. ये मेरा तीसरा है. मेरे पास कोई भी ज्वेलरी ऐसी नहीं है जो मैंने ऑनलाइन परचेज की हूँ. मेरी सारी ज्वेलरी ऐसी है जो मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदी हुई है. इसके बाद मेरा जो अगला पेयर आता है वो ये है. ये थोड़ा सा पुराना हो गया पर मेरा फेवरेट. ये मेरा फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने लिया था अपनी शादी के टाइम पे. थोड़ा सा डल हुआ है पर मैं अभी भी इसको पहन लेती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है. ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था. अगर इसकी भी पिक होगी तो मैं इसमें ज़रूर लगा दूंगी वीडियो में. और ये भी मेरा फेवरेट था उस टाइम पे, और मैं इसको बहुत अच्छे से पहनती हूँ, आज भी पहनती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये छोटे छोटे इयरिंग्स जो होते हैं ना, आपकी साड़ी पे भी जाते हैं, सूट पे भी जाते हैं और गाउन पे भी जाते हैं. इसके बाद मैं थोड़े हैवी पे आ जाऊँ तो मैं आपको इसके साथ हैवी इयरिंग दिखाती हूँ. मेरे पास और भी इयरिंग जो हैवी है, जो भी मैं पार्टी, जो बड़ी शादी फंक्शन होते हैं मैं उनमें वेयर करती हूँ, और जो बहुत सुंदर लगते हैं. जो इस टाइप से ये मेरा मतलब मेरा खुद मेरा प्यार नहीं, मतलब मैंने नहीं ख़रीदा था ये इयरिंग. ये मुझे ये भी मेरी ननद ने दिया है, जो उनका ही था. उन्होंने मुझे पहनने को दिया था, तब से वो मेरे पास ही पड़े और मैं ही इनको पहनती हूँ. तो ये देख, ये तो मैं ये भी मैंने 6-7 बार पहनी. इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ये शायद बॉम्बे से उन्होंने लिए थे, मुंबई से लिए. वो मुंबई में ही रहती थी तो उन्हें वहाँ से लिए थे. आप इसको देख सकते, क्वालिटी ये भी बहुत सुंदर लगते हैं. इयरिंग्स आप किसी भी हैवी साड़ी या लहंगे के साथ या फिर क्रॉप टॉप के साथ भी वेयर करते हैं अगर, तो आप ये बहुत सुंदर लगते हैं. आपको इसमें गले में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना आपको मांग टीका लगाना पड़ेगा ना गले में लगाना पड़ेगा. तो आप इसको देख रहे हैं, ये इतना सुंदर लग रहा है. झुमका गिरा रे बरे के बाजार में. और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा उस एक झुमकी टाइप का, और जो मेरा फेवरेट है. मुझे ये भी गिफ्ट में ही मिला है इयरिंग, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. मैं ज़्यादा सारे गिफ्ट्स वाले, ये मुझे मेरी भांजी ने दिया था.
ये देखिए, ये भी मेरा फेवरेट है, मैं इसको भी बहुत पहनती हूँ। ये भी किसी पार्टी या मतलब मेहंदी में पहन सकते हो, आपको मेहंदी में भी ऐसे भी आप किसी मैचिंग के साथ पहन सकते हो। ग्रीन है कुछ जो मैंने आज सूट पहन रखा है वो ग्रीन है, और ये इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो कभी भी अगर मैं तैयार होती हूँ, इसमें मेकअप लुक क्रिएट करूँ या फिर कुछ तैयार होती हूँ, तो मैं इसका वीडियो ज़रूर डालूँगी। और देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, आप इसको पहले जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया अगला, झुमकी टाइप का। ये भी झुमकी जैसा ही है, मुझे ये भी पसंद है। और ये मेरे पास झुमके वाले काफ़ी हैं, क्योंकि मुझे झुमके वाले बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ सूट वाले दिखा देती हूँ जो मैंने सूट वाले, ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेस किए हैं। सारे मेरे पास जो भी अवेलेबल है, मैं लोकल मार्केट के छोटे छोटे टॉप्स भी हैं मेरे पास, देखिए मैं इनको अपने एक सूट के साथ पहनती हूँ। और जो मेरा इसका मैचिंग का सूट है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए स्टोन वर्क के ये क्या बोलते हैं इसको, वो है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मतलब ये थोड़े से कॉस्टली थे, छोटे से इयररिंग से मुझे 300 कुछ तो मिले थे, और ये भी मेरे हस्बैंड के पसंद के हैं, तो एक्चुअली उन्होंने मुझे दिए थे। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इयररिंग आता है, मैं उसको आपको वो भी दिखा देती हूँ। वो भी आप सूट पे, मेरे पास कुछ ऐसे इयररिंग्स भी हैं जो आप सूट के साथ बहुत अच्छे से पहन सकते हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला है पेयर, आप देखिए झुमके वाले पेयर है। ये छोटे छोटे आप कहीं भी छोटा सा फंक्शन है, तब घर के बाहर कहीं पर भी निकल दे, फंक्शन भी नहीं, मार्केट जा रहे हैं, तो आप फट से अपने इयरिंग ईयर में डाल लीजिए। और ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, इससे लुक भी अच्छा जाता है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा क्लासी भी लगते हैं। तो देखिए छोटा सा पेयर है मेरे इयरिंग्स का, ये भी मैं बहुत बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, मैं इसको साड़ी के साथ भी वेयर कर लेती हूँ। और इसके बाद मेरा आता है नेक्स्ट वाला, छोटे छोटे टॉक्स भी है मेरे पास जो भी बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरा ये वाला है, शायद मैंने किसी एक वीडियो में पहना था। तो ये मेरे जो इयररिंग्स है ना, ये भी मैं अपने सूट पे साड़ी पे दोनों पे पहनती हूँ। अगर मैं जूड़ा लगाती हूँ तो कभी भी अपने बालों का, तो मैं इसको ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा ये लुक आता है। जूड़ा लगाने के बाद ये थोड़ा हाईलाइट हो दिखते हैं, क्योंकि बाल ओपन में ये नहीं दिखते, तो मैं इनको भी पहनती हूँ, या फिर मैं चोटी गूंथती हूँ तब भी मैं इसको पहन लेती हूँ। तो ये मेरा हो गया है। एक और मैं आपको शेयर करती हूँ अपना छोटा सा, वो भी झुमके वाला है, ये मेरा बहुत फेवरेट है, और ये मैं जब भी पहनती हूँ लोगों को बहुत पसंद आया था। तो ये है मेरा इसी कलेक्शन का छोटा सा एक और इयररिंग का पेयर, देखिए बहुत सुंदर लगता है, मैं जब भी इसको पहनती हूँ ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। छोटे छोटे इसमें जो फ्लावर टाइप के बने, और ये हैवी है लेकिन देखने में छोटा, पर इसका वेट बहुत है। तो इसको भी मैं सूट के साथ ही पहनती हूँ, जैसे रोज़ में कभी मैं घर से बाहर निकली, किसी घर गई, या फिर मैं मार्केट जा रही हूँ, या फिर मैं किसी काम से बाहर निकलती हूँ, तो मैं इसको पहन लेती हूँ। और मैं इसको खूब सारा पहना, बहुत बार पहना। तो ये मेरा कुछ छोटा सा कलेक्शन था जो मैंने आप लोगों के साथ किया। इससे बहुत ज़्यादा मेरे पास इयरिंग और भी हैं, सिल्वर ज्वेलरी ये वाली, तो मैं उसको भी दिखाऊंगी आप लोगों को, तो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखा देती हूँ। मैं थोड़ा सा इयरिंग्स आपको दिखाए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा इयरिंग दिखा देती हूँ। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको दिखा देती हूँ, सारे लोकल मार्केट में बहुत ही सस्ते रेट पे मुझे मिले थे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया, तो एक्चुअली आपने देखा मैंने एक ईयर में नहीं पहना हुआ है, क्योंकि मेरे इस ईयर में बहुत दर्द हो रहा है, तो गाइस प्लीज़ और इसको नोटिस मत करिएगा। इस साइड से देखिएगा ना, इतना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अगले वीडियो मिले, तब तक के लिए बाय बाय।